हेलो माय एंजल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्रिएट करने वाले हैं ये हॉट पिंक सल्ट्री स्मोकी आई लुक यूजिंग वेट एंड वाइल्ड रोज इन द एयर आई शेडो पैलेट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने अपने फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज कर लिया है यूजिंग बायो नेक्टर मॉइस्चराइजिंग क्रीम। आज फाउंडेशन के लिए मैं यूज करने वाली हूँ सुपर स्टे फाउंडेशन। तो चलिए लगाना शुरू करते हैं। अपने ईयर्स, अपनी नेक, इसको ना भूलिए। ये फाउंडेशन ऑक्सीडाइज करता है, इसलिए मैं अभी थोड़ी भूत जैसी लग रही हूँ, पर थोड़ी देर बाद ये ठीक हो जाएगा। अपने फाउंडेशन को सेट करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ लॉरियल मैट मैजिक कॉम्पैक्ट पाउडर। पाउडर लगाने से मेकअप लॉक हो जाता है और मूव नहीं करता। इस पैलेट से ये नीचे ट्रांजिशन कलर ब्राउन कलर का जो है, इसको लेकर अपनी क्रीज पे लगाऊंगी और अच्छे से ब्लेंड करूंगी। अब इस मैजेंटा कलर शेड को लेकर मैं अपनी सेंटर ऑफ द आईलिड पे लगाऊंगी। पहले मैंने सोचा था कि मैं इस साइड ब्रश से लगा पाऊंगी, पर लगा नहीं पाई, तो इसलिए मैंने अपना ब्रश चेंज कर लिया है। अब ये शिमरी शेड लेकर मैं इनर कॉर्नर ऑफ द आई पे लगाऊंगी। आउटर कॉर्नर ऑफ द आई को शार्प शेप देने के लिए मैं ये डार्क ब्राउन कलर का यूज कर रही हूं ऑन द कॉर्नर ऑफ माय आईज। और सब कलर्स को अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। अब इस शिमरी पिंक कलर को लेकर मैं अपनी इनर आईज पे लगाऊंगी। इससे ये कलर पॉप करेगा और मेरी आईज और बड़ी बड़ी और ब्यूटीफुल लगेंगी। अब इस मैट पिंक शेड को लेकर मैं ये कलर को डिफ्यूज कर दूंगी ताकि कोई लाइन, हार्श लाइन ना दिखे। ये मैजेंटा शेड मैं अपनी लोअर आईलिड पे भी प्लेस करूंगी और अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। आईशैडो लगाने के बाद जो भी फॉल आउट होगा उसे इस ब्रश से क्लीन कर लूंगी। अब मेकअप रेवोल्यूशन का गोल्डन शुगर पैलेट लेकर मैं ये कॉन्टोरिंग 8 नंबर कॉन्टोरिंग शेड को लेकर अपने यूजुअल एरियाज पे कॉन्टोर करूंगी। अब शेड 2 और शेड 6 इसी पैलेट से लेकर अपने चीक्स पे ब्लश लगाऊंगी, क्योंकि भैया ब्लश करना तो जरूरी है। अब इसी पैलेट से शेड 1, जो कि एक हाइलाइटिंग शेड है, उसको अपने चीक्स पे लगाऊंगी। अब मेबेलिन फैशन डुओ शेपर को लेकर अपनी आईब्रोज को डिफाइन करूंगी।
आईलाइनर के लिए मैं यूज कर रही हूँ इंग्लॉट का जेल आईलाइनर। टेक योर टाइम टू ड्रॉ अ विंग लाइनर एंड प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सेम आईलाइनर को लेकर मैं अपनी लोअर लैश लाइन पे भी लगाऊंगी। अगर आप किसी भी जेल लाइनर को परमानेंट सेट करना चाहते हैं तो उसे आई शेडो से लॉक कर दें। यहाँ पे मैं ब्लैक आई शेडो का यूज कर रही हूँ अपने जेल लाइनर को सेट करने के लिए। तो आप भी अगर ऐसा करेंगे तो आपका लाइनर कभी स्मज नहीं करेगा। चलिए लैशेस भी लगा ही लेते हैं। ये है मेरी लैश ग्लू। और ये लग गई हमारी लैशेस। वेट एंड वाइल्ड मेगा लेंथ मस्कारा को लेकर मैं अपने लोअर लैशेस और अपर लैशेस को अच्छे से कोट करूंगी। यहाँ पे मैं कंफ्यूज हो रही हूँ ये दो लिपस्टिक्स के बीच में। एक है मिस क्लेयर की 07 और दूसरी है मेबलिन की कलर शो इन द शेड फ्लेमिंग फुशिया। और अभी मैंने लगा लिया है फ्लेमिंग फुशिया शेड और उसको टॉप किया है वेट एंड वाइल्ड की नाइस टू फुशिया लिक्विड लिपस्टिक के साथ। और यहाँ होता है मेरा लुक कंप्लीट। ये है मेरा फाइनल लुक। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू सून। बाय।